Hello friends, welcome to my YouTube channel Study to Explore, and today we are going to discuss the question asked today. यानी कि 12 अक्टूबर 2017 को SSC MTS में पूछे गए जनरल नॉलेज मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो के नीचे लाल बटन जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके, इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको YouTube पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. तो आज मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं. पहला है कैलेंडर क्वेश्चन है, अक्षय कुमार्स वेडिंग एनिवर्सरी इज आफ्टर 7th जुलाई बट बिफोर 9th जुलाई. अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ देयर एनिवर्सरी इज आफ्टर 1st जुलाई बट बिफोर 9th जुलाई, फाइंड द एग्जैक्ट डेट. तो इसका मैथ और रीजनिंग का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं. यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा या फिर आपको पर्सनली इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा. नेक्स्ट, हाउ मेनी जीरोज आर इन 52 × 27, इसे मल्टीप्लाई करने पे इसमें कितने जीरोज आते हैं. नेक्स्ट है एच सी एफ ऑफ 3 × 5 × 4 × 5 × 2 × 5 × 5, इसे आप सॉल्व कीजिए खुद से. नेक्स्ट है 10 में यूनिक डिजिट, यानी द लास्ट डिजिट ऑफ दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज व्हाट. नेक्स्ट इज द मदर ऑफ, ये ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन है, द मदर रीजनिंग का क्वेश्चन, द मदर ऑफ सुखेश इज द ओनली डॉटर ऑफ सरिताज फादर, हाउ सरिता इज रिलेटेड टू सुखेश. तो ये 4-5 क्वेश्चन जो मिले मैथ और रीजनिंग के, इसे आप खुद सॉल्व कीजिए. यदि सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन पर्सनली प्रोवाइड करूंगा या फिर इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा. अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की तरफ, जो आज पूछा गया था 12 अक्टूबर को 1st, 2nd and 3rd शिफ्ट में. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज ब्लड स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में ब्लड खून कहाँ स्टोर्ड रहता है. तो स्प्लीन में स्टोर्ड रहता है, ये एब्डोमेन यानी कि पेट के ऊपरी लेफ्ट अपर लेफ्ट पार्ट में ये होता है, और ये ब्लड फिल्टरिंग का भी काम करता है. स्प्लीन याद रखिएगा, ये एब्डोमेन के अपर लेफ्ट पार्ट में होता है. नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मैसेक हैपन इन विच ईयर, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इसे जरूर याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था. नेक्स्ट है गोल्डन बॉल अवार्ड रिलेटेड टू विच गेम, गोल्डन बॉल अवार्ड फुटबॉल से रिलेटेड है. नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत किसने बनाया, तो जॉन डाल्टन ने बनाया था परमाणु सिद्धांत. नेक्स्ट, व्हाट डिड फ्रेडरिक बेंटिक डिस्कवर, फ्रेडरिक बेंटिक ने किस चीज का खोज किया था. इंसुलिन का खोज किया था इसने, और इंसुलिन से क्या होता है ये आपको पता होगा. इंसुलिन ब्लड लेवल को बैलेंस रखने का काम करता है किसी ह्यूमन बॉडी में, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने का काम करता है इंसुलिन. नेक्स्ट, इंडिया मेजर्स हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस, नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर. नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, कोई भी व्हीकल में जो डिस्टेंस यानी मीटर जो बढ़ता है, आई मीन डिस्टेंस जो इंक्रीज होता है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो उसी यंत्र का नाम है ओडोमीटर. नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे ए कटिया है, अमंग द फॉलोइंग हु गॉट बेस्ट सीएम अवार्ड, चंद्रबाबू नायडू को बेस्ट सीएम अवार्ड मिला था, और ये सीएम है आंध्र प्रदेश के, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, द बेस्ट सीएम अवार्ड. हु इज द ऑथर ऑफ बुक अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे, इसके लेखक थे लाला लाजपत राय. ये जब जेल गए थे लाठी चार्ज के बाद, जब जेल गए थे तो जेल में ही उन्होंने ये अनहैप्पी इंडिया लिखा था. नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड फैन, पंखे का आविष्कारक, सियोलर स्कैट्स व्हीलर 1882 में फैन का आविष्कार किया था, 1882 में. नेक्स्ट, राइटर ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा का राइटर जिसमें अकबर के बारे में सारा चीज उल्लेख है, ये लिखा था अबुल फजल इब्न मुबारक.
नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ ये लिखा था मिल्खा सिंह ने और इसका साथ दिया था इसके बेटी सोनिया सोनवालका ने, रेस ऑफ माई लाइफ नॉवेल लिखने में। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ पी डी एस, पी डी एस का फुल फॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है और एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे इसके अंतर्गत राशन कार्ड मिलता है लोगों को जिसमें फूड बहुत कम रेट पे प्रोवाइड किया जाता है सरकार द्वारा। पी डी एस का फुल फॉर्म हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट हु इज द मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर, इसे कौन नहीं जानता, ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है और इसे हिटलर से न्योता भी मिला था कि आप जर्मनी के लिए खेलो लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया था। मेजर ध्यानचंद इज द मैजिशियन ऑफ हॉकी। नेक्स्ट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड कैपेबिलिटी, जो याद करने का कैपेबिलिटी टू रिमेम्बर इज लॉस्ट, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एमनेसिया, जब किसी व्यक्ति का मेमोरी कैपेबिलिटी ऑफ टू रिमेम्बर एनीथिंग यानी किसी चीज़ को याद करने की क्षमता जब खत्म हो जाती है तो उसे बोलते हैं कि इसे एमनेसिया बीमारी हो गई है, तो उसे बोलते हैं एमनेसिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।